सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। किसान भाइयों ये देखेंगे आप बांसी बांस गटे हुए और इस खेत में सब्जी की खेती होती है। और ख़ास बात बता दूं, ये जाल की बुनाई कर रहे हैं इन बांसों पे। इनसे बात करेंगे एक बार। लोहे के जाल ही चलेगा इसमें भाई, उसके प्लास्टिक की बिल लगाओगे? अच्छा, क्या नाम है भाई अपना? सोनू कुमार। सोनू गाँव। अच्छा, सब्जी की खेती कितने दिन से करे भाई? पटबाबा। अच्छा, यानी कि पूर्वजों से मिली हुई सारी। ठीक, सब्जी की खेती करो। अच्छा, क्या सब्जी लगाओगे भाई इसमें? अच्छा, ये खीरे वो करेले की? ठीक, तो क्या बीघे का खेत होगा भाई ये? 12 बीघे का। तो बांस वगैरह कहाँ से एडजस्ट कराए हैं? पहले ही होंगे आपको? तो जी, अच्छा अच्छा पुराने थे हैं। कितने टाइम चल जाए एक बांस ये? बहुत है। पन्नी पुन्नी बांध देगा नीचे? हाँ सही बात है, ना जड़ तो बहुत हो जा। काफी मेहनत का काम है। किसान भाइयों जैसा आप देखेंगे तार का इसमें अलग खर्चा है और बांस का सारा अलग, काफी खर्चा बैठ गया। अच्छा ये बताओ भैया, ये बांस है, मोटा बांस है, क्या रेट मिल जाए? नवा बांस है ना, ये 65 रुपया आया पहले। कितने फुट का है ये? ताजी 10 फुट का। अच्छा तो अच्छा, जब ना आपने लिया था नीचे से जो खराब हुआ वो काट दिया? वो टूट जाता है, टूट जा। कितने का बता रहे? 65 रुपये का। 65। और ये साइज? ये है जी, वो क्या नाम है, जड़ का है ना, ये जड़ का था नहीं। अच्छा, पूरे वाला है ये 28 रुपये का है। ये 28। अच्छा, कितने टाइप के बांस गड़े हैं? किसान लोग लगाने लगे बांस के, रेट बढ़ जाए कुछ भी है मार्केट में, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाए फिर तो रेट बढ़ जाए। उसकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाना, कम चीज होती चली जाती है। तार ही उतार था ये। अच्छा, एक नीचे लग रहा है 14 नंबर का तान का जी। 14 नंबर का, 14 नंबर का 70 रुपये आया था, 80 रुपये किलो जी। हाँ, और जी है 16 नंबर का। अच्छा, ये बीजा 80 रुपये हो रहा है, ये 60 रुपये आ जाता पहले, 60 होता जब 80 हो रहा जी, यानी के 22 रुपये बढ़ रहे जी। बहुत महंगा हो गया मार्केट में, रेट बढ़ते रहा बस, बढ़ते गए। अब जब ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं तो मार्केट में इसकी मांग ज़्यादा होगी ना, बिल्कुल रेट बढ़ गया। चलो, जैसे बीज है, जैसे खीरे का बीज है यू जी, इसका 50 ग्राम का पैकेट है, उसका 960 रुपये का। खीरे का कौन सी वरायटी खीरे की है? यह हुआ चित्रा। चित्रा और करेले की? करेला है जी, प्रगति। प्रगति और अगले खेत में। अच्छा, जैसे मान लो करेले की बेल है वह जी, यानी कि एक पूरा सीजन क्या किलो करेला दे देगी वह? देखो जी, इसका तो आंकड़ा लगाने में तो बस इतना है, ऐसे लगा देते हैं। आगे तो है या पछेती फसल है? अच्छा, गेहूं के बाद बोई जाओ। ठीक ठीक, तो इसमें तो जैसा अब जाए इनमें बांध रहे, बीच में प्लास्टिक के बांधोगे इनमें लंबे? नहीं, इसमें जो तार घेरे ना इसके ऊपर रेशम बुनाई जाएगी। रेशम थाट बुना ना? हाँ हाँ, इसकी बुनाई होगी। एक बार तो नो होगा? अच्छा, एक बार नो होगा, एक बार लंबा नेड़ा लंबा दनो होगी थाट की तरह जी जी। प्लास्टिक की तार कसी जाएगा? अच्छा, बेल चढ़ेगी जिस पे? हाँ, जिस पे बेल चढ़ेगी करेले की। हाँ सही बात है, करेले की भी और खीरे की भी। हाँ, जाल पर चल जाए। तो कितने महीने की खेती भाई है दोनों, बेल इसकी करेले की और खीरे की? 90 दिन की, 3 महीने। इसकी हो जी 6 महीने की। करेले की 6 महीने की। तो खीरा हटा के फिर और कुछ लग जाएगा इसमें जुगा तू? हाँ, राजबीन, खीरा,
खीरा कद्दू लोगी ठीक बहुत बढ़िया देखा किसान भाइयों उधर भी जाल बुन रहे इस तरह लोहे का जाल है और पारंपरिक खेती है इनकी पहले बाबा जी कर रहे थे पिताजी कर रहे थे अब जा उनके लड़के कर रहे तो कितने दिन में शुरू हो जाएगी भाई ये खीरा तो चल हो जाएगी 45 दिन में 1.5 महीने में करेला 60 दिन में अच्छा अच्छा चलो बढ़िया हाँ इसके बीज के वैसे पहले पौध तैयार फिर खेत तैयार कर लो पहले तो पानी लगा उसमें खाद डालेगा मिट्टी भर के उसमें फिर बीज छोड़ के तैयार करना पड़ेगा अच्छा फिर उसकी रोपाई करो खेत तैयार करके हाँ रोपाई करो रोपाई करते बार उस टाइम उसमें खाद गिरा है जैसे कह लो अच्छा अच्छा ठीक बीज जी जी तो सिंचाई कितने दिन बाद हो पानी हो अच्छा एकदम पानी देते हैं बीज पौध बो गए जी जी देखभाल हाँ स्प्रे वगैरह होते होगा इसमें बिल्कुल देखेंगे किसान भाइयों ये करेले का है ना बेल भाई खीरा ये इधर लग रहा तो इनमें कितने फुट की दूरी है आपस में बेल में करेले की 6 फुट की 6 फुट के करेले की और खीरे में एक बलान की हाँ बढ़िया है किसान भाइयों आप भी देखें करके पारंपरिक खेती से अलग सब्जी की खेती जरूर करें वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करें जो दोस्त यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए चैनल सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद नमस्कार।